नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है, लेकिन इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ होने से गज केसरी योग भी बन रहा है। इस योग के अलावा बुद्धादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग भी इस दिन लगेगा। ऐसे में राशि चक्र की कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का दिन और इसके बाद का कुछ समय भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कौन सी है ये राशियां, आइए जानते हैं। मिथुन राशि। चंद्र ग्रहण आपके एकादश भाव में लगने जा रहा है। यह ग्रहण आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने वाला साबित हो सकता है। आपके ख्वाब इस दौरान पूरे हो सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यवसाय में धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। सेहत के मामले में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी इस दौरान दूर हो सकती है। आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। माता पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपके द्वारा किए जा रहे निजी प्रयासों से कार्यस्थल पर आपको सफलता भी अर्जित हो सकती है। मकर राशि। मेष राशि में लगने जा रहे चंद्र ग्रहण से मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। करियर क्षेत्र में नए मौके मिल सकते हैं। कुछ लोगों की इस दौरान पदोन्नति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिल सकती है। इस समय आप घर वालों के साथ मिलकर भविष्य को सुधारने की योजनाएं भी बनाते नजर आएंगे। अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है तो वो भी इस दौरान पूरा हो सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान थोड़ा सावधान रहना होगा और आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी सेहत खराब हो। कुंभ राशि। आपके तृतीय भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा। आर्थिक स्थिति में आशातीत बदलाव देखने को मिलेंगे। समाज में आपकी छवि बेहतर रहेगी और लंबी यात्रा पर जाने का मौका भी कुंभ राशि के कुछ जातकों को मिल सकता है। कुंभ राशि वालों को शुभ योग के प्रभाव से विदेश में कार्य करने का भी इस दौरान मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी जिससे कार्यक्षेत्र और कारोबार में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में भी इस दौरान सुधार देखने को मिलेगा। कन्या राशि। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, लेकिन कुछ अनचाहे खर्चे भी इस दौरान बढ़ सकते हैं। कन्या राशि के कुछ जातकों को घर के लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी धन खर्च करना पड़ सकता है। ये समय उन लोगों के लिए खासा फायदेमंद साबित हो सकता है जो ज्योतिष, विज्ञान, तंत्र मंत्र जैसे गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो चार राशियां हैं जिनको चंद्र ग्रहण के दिन और उसके बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही दो राशियां और भी हैं जिनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है, मेष राशि और सिंह राशि। इन दोनों राशियों को भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इन दोनों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। हालांकि आपको मेहनत आवश्यकता से अधिक करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Live। नमस्कार।